से जान पालिया गांव में। इस गांव के युवा किसान ने खेती और पशुओं ने औचक किया है बायोगैस का संयंत्र लगाने का प्रयोग भी किया। किसान को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्मानित भी कर चुके हैं। बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे जानपालिया गांव के युवा किसान हरिराम भाकर ने खेती और पशुपालन में कई तरह के नवाचार किए हैं। बायोगैस का संयंत्र लगाने का भी प्रयोग किया है। दसवीं तक शिक्षा के बाद खेती करने लगे हरिराम ने कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी की सलाह पर बकरी पालन किया। आर्थिक स्थिति मजबूत की उसके बाद गाय और भैंस पालन शुरू किया। पशुओं की खाद के उपयोग से खेत में उपज बढ़ी। पशुओं के लिए नेपियर और रजोला घास का उत्पादन भी किया। खेत पर बायोगैस संयंत्र लगाया और वर्मी कंपोस्ट का प्लांट भी तैयार किया। बागवानी में कश्मीरी सेब लगाए। मैंने मेरे घर पे फार्म हाउस बना रखा है जो कि देसी बकरियां और सीमेंट नस्ल की और पाटनवाड़ी भेड़। मैंने वैज्ञानिक तरीके से मेरे घर पे फार्म हाउस बना रखा है। जैसे कि ये बकरियां हैं, बकरियों के लिए चलने के लिए टब बनाया हुआ है और इसके अंदर क्या है कि चारा वगैरह खराब ना करे इसलिए ये बनाया हुआ है और अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से बाड़े बनाए हुए हैं। और वो भेड़ हैं, उन भेड़ों के चढ़ने के लिए अलग से वो टिन शेड बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं आपके सामने और देसी दीवार से छपरा बनाया हुआ है और इधर छोटे बच्चों के रहने के लिए अलग है और इधर देहात में बकरियाँ हैं उनके लिए अलग है। और ये गोबर गैस प्लांट है जो कि बायोगैस घर के अंदर पूरी घर की रसोई इस गोबर गैस से ही हो रही है। यहाँ से गोबर डालते हैं और ये गोबर गैस का टैंक बना हुआ है उसके अंदर गोबर इकट्ठी होती है। ये नली लगी हुई है जो कि फार्म हाउस से सीधी घर पे जा रही है रसोई तक और यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। जो जैविक तरीके से खेती का काम भी साथ में मैं कर रहा हूँ और ये लिक्विड है जो खेत के अंदर सुखा के उसकी पकड़ी लगती है उसके बाद में इसको बारीक करते हैं और खेत के अंदर फसल में डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट जिसे इसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ये क्या है कि खाद को सारने के रूप में काम आ सकता है क्योंकि इसके अंदर नीम की पत्तियाँ हैं और सड़ा हुआ जो भी वेस्ट कचरा है वो इसके अंदर डाल सकते हैं और इसके अंदर हमें और गोबर डाल सकता है। गोबर के ऊपर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं जिससे पूरा ही खाद है जो कि सड़के इस रूप में तैयार होता है जो कि आप देख रहे हो ये खेत के अंदर फसल के अंदर डालने की काम आता है। किसान हरिराम के फार्म की गाय भैंस के दूध और घी की खासी मांग है। बीएसएफ के जवान 1,000 रुपए प्रति किलो में घी खरीद कर ले जाते हैं। दूध के भी अच्छे भाव मिलते हैं। रोजाना करीब 100 लीटर दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक जाता है। किसान के यहाँ घास से सालाना 2 लाख रुपए, नींबू बेर और सब्जियों से भी 2 लाख रुपए की आय होती है। अब वो आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। नवाचारों के लिए उसे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी सम्मानित कर चुके हैं। बाड़मेर से धर्म सिंह भाटी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।